Hello and welcome Biotech family, and today in this video I'm gonna discuss about Git versus GitHub. So सबसे पहले बात करते हैं what exactly the Git. So guys, most of the cases में आपने सुना होगा Git is a version control system, मतलब VCS. VCS stand for version control system. तो ऐसा क्यों बोलते हैं guys? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि what is VCS. ठीक है, लेकिन VCS को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूँ जिस टाइम पे ऐसे टूल्स नहीं हुआ करते थे, मतलब गिट जैसे टूल, या फिर हुआ भी करते थे तो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, जिसकी वजह से कंपनीज इतना ज़्यादा उनको यूजर्स में नहीं लेती थी. चलिए समझते हैं इस बात को. तो जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो, मान लो कि कंपनीज के अंदर ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल्स डेवलपर्स वर्क करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है. जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से गाइस कि मान लो कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नेम है टेनेंट मैनेजमेंट सिस्टम. तो ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इस डेवलपर को इस प्रोजेक्ट की एक कॉपी को अपने लोकल मशीन पे लेकर के आना पड़ेगा. वो कैसे करेगा, ऑब्वियसली वो अपने TL, यहाँ पे मान लो ये TL का मशीन है, ठीक है, वो TL से उस कॉपी को मांगेगा. तो क्या करेगा, वो यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा, ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट करेगा. तो यहाँ पे अपने मशीन पे कॉपी करके या PD के थ्रू लेकर के आएगा, पेन ड्राइव के थ्रू, या फिर हो सकता है कंपनी के अंदर सिंपल से LAN नेटवर्क के थ्रू लेकर के आएगा रिक्वेस्ट करके, तो किसी ना किसी तरीके से कॉपी करके अपने सिस्टम पे लेकर के आएगा. कॉपी करने के बाद जो भी चेंजेस होंगे उसको वापस से सर्वर पे, TL की मशीन पे लेकर के जाएगा, मतलब TL को प्रोवाइड करेगा. ठीक है, सिमिलर थिंग अदर डेवलपर्स भी कर रहे होंगे. ठीक है, इसके पास भी ये टेनेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे अगर काम करना है किसी अदर मॉड्यूल पे, तो ये कैसे करेगा, ऑब्वियसली उसको TL से उसकी एक कॉपी मांगनी पड़ेगी, और दोनों के पास सेम प्रोजेक्ट की एक एक कॉपी आ चुकी है. ठीक है, तो दोनों लोग अपना काम करके क्या करेंगे, TL को अपना कोड देंगे, और हो सकता है कि ये दोनों आपस में डिस्कस करके अपना कोड मर्ज करें एक PD में करके, ठीक है, इसके सिस्टम पे लेकर के आए, मर्ज करके फाइनल TL को प्रोवाइड करें, या फिर दोनों लोग अपना जो है TL को कोड प्रोवाइड करेंगे और TL खुद जो है दोनों का कोड सही तरीके से मर्ज करके फाइनल कॉपी को जो है सर्वर पे डिप्लॉय करेगा. और सर्वर क्या होता है, एक्चुअली कंपनी के अंदर एक स्पेशल मशीन होती है, और उस स्पेशल मशीन को ही कंपनी में सर्वर बोल देते हैं, जिसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, तो उस मशीन में ही प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि इसमें सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मल्टीपल डेवलपर्स को एक लेंथी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, मतलब कॉपी करके लाना, उसके पास उस कोड को मर्ज करना, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, राइट. और वहाँ पे कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है कुछ एरर की वजह से कि उसी कोड को रिपीटेडली करना पड़ता है, फिर से रिवर्क करना पड़ता है. तो इस सिनेरियो में जो सबसे पहला बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि मल्टीपल डेवलपर्स कैन नॉट वर्क टुगेदर, सो दिस इज द इशू नंबर वन. ठीक है, और हम इस सिनेरियो में इस तरह से मान के चलते कि अभी ये वाला है ही नहीं, डायरेक्टली ये लोग यहाँ पे से कॉपी करके अपने सिस्टम पे लेकर के आएंगे लोकली मशीन पे, और उसके बाद चेंजेस करके इसी सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे. मैंने आपको समझाने के लिए ये TL बीच में लेकर के आया था. ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे समझते हैं. एक्चुअली अब यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम नंबर टू. तो यहाँ पे मैंने TL को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे इमेजिन किया कि भाई ये डेवलपर ने भाई उस प्रोजेक्ट की कॉपी लेकर के अपने मशीन पे लेकर के आया था, और ये भी लेकर के आया था, और दोनों ने अपने चेंजेस अप्लाई करके इन दोनों ने क्या किया, सर्वर पे पेस्ट कर दिया फाइनल कॉपी, अपने अपने कोड को सही से देख करके उसमें अपने चेंजेस किए. ताकि अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है भाई, कि इनका कोड इन्होंने हो सकता कोई एक लाइन सेमी कोड सेमी लाइन पे कहीं पे वर्क कर रहे हैं, इन्होंने उसके कोड में चेंजेस मार दिए उनका कोड, तो इसका कोड चल गया हो और इसका कोड फट रहा हो, ये भी सिनेरियो हो सकता. बट मान लो कि दोनों का सक्सेसफुली चल गया, इमेजिन करें. तो इस सिनेरियो में क्या हो सकता है, एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये एक्चुअली सर्वर मशीन है, कोई स्पेशल मशीन मतलब तो है नहीं कि कोई मतलब बहुत पावरफुल है, पावरफुल बनाई जाती है इसकी रैम और हार्ड डिस्क को बढ़ा करके, ठीक है, एक पावरफुल मशीन तो बनाई जाती है. बट इन केस ये मशीन का क्रैश हो जाता है,
हार्डवेयर का फेलियर हो जाता है, सिस्टम का फेलियर हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, यू लॉस्ट द डेटा और मे बी यू लॉस्ट दी ऑल द प्रोजेक्ट जो भी आपने इस पर डिप्लॉय किए होंगे। तो इनके पास जो भी हो सकता है कि पुरानी कॉपीज हो, और हो सकता है कि ये लोग क्या करते हो अपना काम करने के बाद जो पुरानी कॉपीज हो उनको रिमूव कर देते होंगे कुछ हफ्तों के बाद, ठीक है, और रिसेंट वाली हो या फिर ना हो मे बी। तो इस सिनेरियो में थोड़ा सा दिक्कत क्या आएगी, जो प्रॉब्लम नंबर टू यहाँ पे देखने को मिल रही है वो है डेटा को रिकवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इस सिनेरियो में। मान लो कुछ प्रोजेक्ट का तो इन लोगों ने बैकअप ले रखा हो, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसा हो कि इनका सिस्टम मान लो बीच में कभी अपडेट हुआ हो तो इनके पास वो कॉपी नहीं, इनको पता है कि यार सर्वर पे तो पड़ा ही, लेकिन उसी टाइम पे सर्वर क्रैश हो गया, ठीक है। सर्वर मतलब एक मशीन जो कि कंपनी के अंदर होता है, कंपनी का मशीन जिसको कंपनी का सर्वर बोलते हैं, और वो क्रैश हो गया। तो जितने थे वो तो चलो रिकवर हो जाएंगे, बाकी के तो यहाँ पे लॉस हो गए। तो ये प्रॉब्लम होती है बिना वर्जन कंट्रोल सिस्टम के। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर टू। एंड दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गाइस यहाँ पे इन लोगों को बैकअप लेना पड़ता है, ठीक है, डेट वाइज, मतलब प्रीवियस चेंजेस जो किए हैं उसके जस्ट प्रीवियस चेंजेस को ये लोग ट्रैक नहीं कर सकते कि उसके जस्ट प्रीवियस चेंजेस में चले जाएँ, एक स्टेप बैक चले जाए एग्जैक्टली। इनको जाना भी होगा तो मैनुअली जाएंगे एक एक लाइन के, कहाँ पे इन्होंने कोड चेंजेस किए थे, किस लाइन को इन्होंने हटाया था, या फिर इन्होंने पहले से बैकअप लिया होगा तो कम्प्लीटली उस वाली बैकअप वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। सो ये एक दिक्कत है, ट्रैक नहीं कर पाएंगे प्रीवियस चेंजेस को, ये भी प्रॉब्लम नंबर थ्री की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइज इन इशूज को कैसे रिजॉल्व करते हैं, जब मार्केट के अंदर गिट आया, अब गिट को एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है, तो ये काफ़ी पावरफुल होता है। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे जो ये मशीन है, एक्चुअली मशीन नहीं, ये क्लाउड है, क्लाउड स्टोरेज एरिया। ये क्लाउड स्टोरेज एरिया कैसा होता है, जैसे कि यार आप ऑनलाइन यूट्यूब की वीडियोस एक्सेस कर सकते हो, अपने आउटलुक के ईमेल्स एक्सेस कर सकते हो, करेक्ट, या फिर जीमेल के ईमेल्स एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे दुनिया में कहीं पे भी बैठे हो वहां से एक्सेस कर सकते हो, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। सिमिलरली गाइज यहाँ पे जो क्लाउड वाली वो है, मतलब मैंने यूज़ किया, यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है GitHub, ठीक है, GitHub। तो GitHub क्या है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, और इस पे हम लोग रिपोजिटरी क्रिएट करके अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी हम किसी भी जगह पे हैं, लैपटॉप में अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से उठा सकते हैं, और इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहाँ से हम लोग डेटा रिकवर कर सकते हैं। डेटा लॉस होने की जो मतलब यूँ कह लो कि जो चांसेस है वो बहुत मैन्यूट से हैं, ठीक है, और उन चांसेस को भी हम लोग ओवरकम कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बना करके। अब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बनाने का मतलब क्या है कि हमारे पास लेट्स से कि इमेजिन करो कि एक हमारे पास T1 ब्रांच है, T2 ब्रांच है, T3 ब्रांच है, ठीक है। तो जब भी कोई डेवलपर वर्क करेगा वो T1 पे ही T1 की कॉपी ही उठा करके अपने वर्क करेगा, ठीक है। अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास T2 ब्रांच है, उसका कोड वापस से T1 में डाल देंगे, ठीक है। अगर T2 में प्रॉब्लम है तो T3 एक फाइनल ब्रांच बनाते हैं जिसको हम प्रोडक्शन ब्रांच बोलते हैं, राइट। तो मतलब हर ब्रांच के अंदर सेम ही प्रोजेक्ट की कॉपी रखी होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो काम करने के लिए डिफरेंट ब्रांच को यूज़ करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट ब्रांच को यूज़ करते हैं डिप्लॉय करने के लिए। सो दैट इज़ हाउ हम लोग अपने जो डेटा लॉस होने के प्रोजेक्ट में जो भी दिक्कत होने के चांसेस हैं उनको मिनिमाइज कर लेते हैं, जो कि हम लोग आगे की वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे। और गाइस अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे सिस्टम पे लेकर के आते हैं कॉपी पेस्ट करके, वो क्या होता है, यहाँ पे हम GitHub जो है GitHub के थ्रू जो हम लोग VCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू VCS जो कि काफ़ी पावरफुल है, तो ईजिली हम उसको जो है एक्सेस कर पाएंगे और सिंपली कुछ कमांड्स के थ्रू अपने प्रोजेक्ट्स को, किसी भी प्रोजेक्ट्स को अपने लोकल मशीन पे क्लोन कर लेंगे और उसके बाद उसको पुश भी कर देंगे ईजिली, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। कि और दूसरी बात, यहाँ पे मान लो इसने भी किसी लाइन पे चेंजेस किए हैं, ठीक है, तो एक दूसरे के कोड के जो मर्ज होने के चांसेस, मतलब कि क्लैश होने के, ओवरराइड होने के चांसेस है, वो भी मिनिमाइज होते हैं। लेट्स से कि मान लो कि एक लाइन इसने चेंज किया लाइन नंबर 4-5 पे ABC,
ठीक है। और इसने भी 4-5 लाइन पे, प्रोजेक्ट की 4-5 लाइन पे इसने क्या किया, एक्स वाई जेड कर दिया। तो ऑब्वियसली जो पहले इसके अंदर डालेगा, जो पहले इसके अंदर पुश करेगा उसका दिखेगा, लेट्स से इसने पहले किया तो इसका ए बी सी दिखेगा, और पहले किया तो ए बी सी इसका दिख रहा है, लेकिन उसके बाद अगर इसने कर दिया तो एक्स वाई जेड हो जाएगा ए बी सी की जगह। बट गिट इतना पावरफुल है कि वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि भाई साहब आप जो कोड डाल रहे हो उस पर ऑलरेडी किसी ने चेंजेस अप्लाई कर कर रखे हैं, तो आप श्योरली देख लो कि आप गलत तो नहीं कर रहे हो, तो वो वार्निंग देगा। तो उस वार्निंग को टैकल करने के लिए कहेगा कि पहले आप जो पहला वाला चेंजेस हुआ उसको पहले से अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने अपनी लोकल मशीन पर फिर से उसको पुल करें, ठीक है, उसको फिर से जो है चेकआउट करें। जब वो चेकआउट हो जाए उसके बाद फिर देखें अपना चेंज, फिर उसके बाद अपना चेंज करके चेक इन करें। सो दैट इज़ हाउ ये हमारा जो प्रोजेक्ट का क्लैश होने का, जो लाइन ऑफ कोड का ओवरराइड होने का ये इशू रिजॉल्व हो जाता है, तो ये भी दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे। तो गाइज अब हम कह सकते हैं कि गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसकी मदद से जो हमारे मेन बेनिफिट्स हैं वो ये हैं गाइज, कि हम मल्टीपल पीपल कैन वर्क टुगेदर विदाउट एनी थिंग कि उनका कोड ओवर राइड हो जाएगा या मेरा कोड ओवर राइड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। गिट सब कुछ मैनेज करेगा क्योंकि वो एक पावरफुल वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, वो इंटरनली सारी चीज़ें मैनेज करता है, और आप अगर कुछ गलत करेंगे तो वार्निंग देगा पहले, ठीक है। सेकेंड बेनिफिट, मिनिमाइज द लॉस ऑफ डेटा बाय क्रिएटिंग मल्टीपल ब्रांचेस। जैसे कि एक ही कॉपी के हम लोग मल्टीपल यू नो डेट वाइज यू नो बैकअप लेते हैं अपना पहले के टाइम में, ठीक है। अभी क्या होता है, हम लोग ब्रांचेस क्रिएट कर देते हैं और किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच पे वर्क करते हैं डेवलपमेंट का, जब उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग जब सेटिस्फाइड होते हैं तो उसको टेस्ट ब्रांच पे डालते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रोडक्शन वाली ब्रांच पे डालते हैं, मतलब एक एक लेवल पे यू नो कोड को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो कहीं पे भी अगर कुछ दिक्कत आएगी तो हमारे पास अदर ब्रांचेस हैं डेटा को रिकवर करने के लिए, ठीक है। ये था सेकेंड बेनिफिट। एंड थर्ड बेनिफिट, इजी टू ट्रैक प्रीवियस चेंजेस, मतलब हम किसी भी पर्टिकुलर चेंजेस जो भी किए हैं इतने दिनों में या फिर अगले 5 मिनट पहले, उन सारे एक एक चेंजेस को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं ईजिली, उस पर वापस जा सकते हैं अनडू रीडू करके, वो सब कुछ प्रैक्टिकली हम लोग देखने वाले हैं। तो ये 3 मेजर बेनिफिट्स होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट ये मेजर बेनिफिट्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। और गिटहब मैंने बता ही दिया, गिटहब कुछ नहीं है यार, गिट के थ्रू हम सारी चीज़ों को टैकल करते, जो भी कॉपी करना, क्लोन करना, पुश करना, पुल करना, ये सब कुछ कर रहे होते, सारी एक्टिविटी कर रहे होते। और गिटहब एक्चुअली एक वेबसाइट होती जहाँ पे हम एक्चुअली अपने डेटा को स्टोर करते हैं, स्टोरेज एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। तो गिटहब इज़ वॉट एग्जैक्टली, यहाँ पे अगर डेफिनेशन वाइज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आप समझ सकते हैं, गिटहब इज़ अ वेबसाइट दैट अलाउज यू टू स्टोर एंड मैनेज योर कोड ऑन क्लाउड। इट इज़ पावर्ड बाई गिट बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली द क्लाउड स्टोरेज। तो जनाब सबसे पहले आपको करना क्या है, एक नया गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट करना है, उसके लिए आपके पास होना चाहिए गिटहब का अकाउंट, अगर नहीं है तो पहले उसे बनाइए भाई साहब। उसके बाद आपको गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सिंपल, यहाँ पर रिपोजिटरी नेम पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, रेडमी फाइल ऐड करनी नहीं करनी। उसके बाद आपने क्रिएट रिपोजिटरी पे करना है क्लिक, सिंपल आपकी रिपोजिटरी हो जाएगी क्रिएट, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब गाइस इस रिपोजिटरी के अंदर आएंगे तो देख सकते हैं ये एम्प्टी रिपोजिटरी प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर कोई भी कोड बेस रिलेटेड फाइल्स अवेलेबल नहीं है, सिंपल एक रीडमी फाइल अवेलेबल है। तो हम चाहते हैं इसके अंदर कोई नया चेंज अप्लाई करें, कोई नई फाइल ऐड करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एम्प्टी प्रोजेक्ट को कॉपी करके अपने लोकल सिस्टम पे लेकर जाएंगे। उसके लिए करना पड़ेगा क्लोन, मतलब कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्लोन बटन पे करना है क्लिक, और उसके बाद वहाँ से कॉपी करना है https url। इसको कॉपी करिए, कॉपी करके अपने लोकल सिस्टम पे जहाँ पे इसे क्लोन करना चाहते हैं इस एम्प्टी प्रोजेक्ट को, वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए और वहाँ पे टाइप करिए गेट क्लोन और उस url को पेस्ट, सिंपल इंटर। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अभी अगर डायरेक्टरी के अंदर देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट पहले अवेलेबल नहीं था और अभी आपको देखने को मिल रहा है, इट मीन्स दैट कि क्रिएट हो चुका है। ओके, चलिए इसको वीएस कोड के अंदर ओपन करते हैं। तो वीएस कोड के अंदर ओपन जैसे ही करेंगे गाइस, यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला कमांड मैं यूज़ करने वाला हूँ गिट स्टेटस। ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें गाइस, यहाँ पे डिटेलिंग में जाऊँगा। तो गिट स्टेटस कमांड मैंने जैसे एक्जीक्यूट कराना है, तो गिट स्टेटस बेसिकली करता क्या है कि वो बताता है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट को क्लोन किया है उसके अंदर
क्या कोई नया चेंजेस अप्लाई किया आपने, कोई नई फाइल, कोई डायरेक्टरी या फिर एग्जिस्टिंग फाइल में कोई चेंज अप्लाई किया किसी भी तरह का, वो गिट स्टेटस इंफॉर्मेशन और आपको ब्यौरा प्रोवाइड कर रहा होता। तो चलिए एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने org.js फाइल क्रिएट किया। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन कोड कर देता हूँ कंसोल लॉग के थ्रू, सिंपली हो गया। अब फिर से गिट स्टेटस कमांड एग्जीक्यूट कराते हैं। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि रेड कलर से हाईलाइट हो चुका है, मतलब इसका मतलब है गिट स्टेटस बता रहा है कि ये भाई साहब चेंजेस हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस वर्किंग डायरेक्टरी में एक नया चेंज हुआ है जिसको हाईलाइट किया रेड कलर से। अब ये अनट्रैक्ड का मीनिंग क्या है कि अनट्रैक्ड के अंदर क्यों है, अनट्रैक्ड का मीनिंग ये है जो कि मैं आगे समझाऊंगा। सबसे पहले इस पर्टिकुलर चेंजेस को स्टेजिंग एरिया में लेकर के आएंगे। कैसे लेकर के आएंगे, उसके लिए यूज़ करना है गिट ऐड और जो भी फाइल नेम है जिसमें चेंजेस अप्लाई किए हैं org.js, एंटर करेंगे, ये चली जाएगी स्टेजिंग एरिया में। चलिए कैसे पता चलेगा स्टेजिंग एरिया में, अगर आप दोबारा से गिट स्टेटस कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले ये रेड कलर से हाईलाइटेड था, अभी ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है। इसका मतलब क्या है, स्टेजिंग एरिया का मीनिंग बड़ा ही सिंपल वर्ड में मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब ये है कि जो चेंजेस आपने अप्लाई किए थे उसको ऐड कमांड से आपने स्टेजिंग एरिया में लेकर के गए। स्टेजिंग एरिया का मीनिंग ये होता है कि आप इस पर्टिकुलर चेंज को नेक्स्ट कमिट के लिए रेडी कर रहे हैं। अब इसको कमिट करते हैं, तो कमिट के लिए गिट कमिट -m और ये कमांड पूरी यहाँ पे कमेंट पास करेंगे और इस तरह से हम ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, कमिट कर देंगे। अब आपको लगेगा कमिट कर दिया फाइनली, मतलब ये पर्टिकुलर org.js फाइल हमारी पहुँच चुकी होगी गिटहब रिपोजिटरी पे, वहाँ ऑनलाइन गिटहब पे, बट अभी नहीं, सिर्फ ऐड और कमिट कमांड करने से ये अपलोड नहीं हुई है फाइल। अभी ये क्या हुआ कि ऐड क्या करता है, स्टेजिंग एरिया में ऐड करता है, कमिट कमांड क्या करता है, लोकली सिस्टम पे गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर इसको कमिट किया है, मतलब उसके अंदर सिर्फ इसको स्टोर करता है। फाइनली अगर इसको आप एक्चुअल में अपलोड करना चाहते हैं सर्वर पे, उसके लिए आपको गिट पुश कमांड एग्जीक्यूट कराना होगा। लेकिन उससे पहले जो कि मैंने पहले बात किया था अनट्रैक क्यों हुआ था, वो मैं एक बार दिखाता हूँ। तो एक और मैं पीस ऑफ कोड यहाँ पे चेंज करता हूँ, एक और कंसोल लॉग करता हूँ और जल्दी से फिर से मैं क्या करता हूँ, गिट स्टेटस कमांड एग्जीक्यूट कराता हूँ। ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे इस बार लिख करके मॉडिफाइड कॉलन, उसके बाद फाइल का नेम, इस बार अनट्रैक के अंदर नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये था कि पहली बार जब हमने फाइल ऐड की थी org.js, वो अनट्रैक के अंदर इसलिए आया था कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर एक नया चेंज हुआ है, बट वो एक नया चेंज एक ऐसा नया चेंज है कि वो एक एक्चुअल में नई फाइल पूरी की पूरी क्रिएट हुई है, इसलिए अनट्रैक्ड के, मतलब वो फाइल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन इस बार स्टेटस में अनट्रैक्ड के अंदर नहीं है, क्योंकि ये बता रहा है कि एक्चुअल वो फाइल एग्जिस्ट करती थी और उसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर चेंज हुआ, इसलिए मॉडिफाइड कॉलन करके शो कर रहा है। आई होप आपने ये पॉइंट समझ लिया होगा। ठीक है, अब इसको दोबारा से कमिट कर देते हैं, सिंपली ऐड करेंगे स्टेजिंग एरिया में, उसके बाद फिर से कमिट करेंगे सेकंड कमिट, उसके बाद इसको फिर से लॉग के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं लॉग कमांड का यूज़ करके। अब फाइनली गिट पुश करते हैं, तब हम जब सेटिस्फाइड होते हैं कि हमारे सारे कमिट ओके हैं, देन हम फाइनली उस कमिट से अगर सेटिस्फाइड हैं देन गिट पुश करेंगे और ये फाइनली हो जाएगा गिटहब रिपोजिटरी पे अपलोड, जो भी चेंजेस आपने अप्लाई किए। वापस से अगर हम रिफ्रेश करके वहाँ पे देखेंगे तो इस बार सिर्फ रेडमी फाइल नहीं मिलने वाली भाई साहब, इस बार org.js फाइल भी मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम इन कमांड्स को यूटिलाइज करके अपने नए चेंजेस को और कोड को और फाइल्स को हम अपलोड करते हैं, पुश करते हैं गिटहब रिपोजिटरी में। जो पहला तरीका है वो है गिट चेकआउट कमांड का यूज करते हुए, चेकआउट -f। चलिए पहले इसको समझते हैं, आर यू एम्प्लॉय समथिंग लाइक दैट। तो मैंने ये कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, लेट्स से इफ एक्स इक्वल, ठीक है, ये मैंने इतना चेंज किया हुआ है। अब गाइस क्या होता है कि लेट्स से कि हमें ये अंडू करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं ऐसे करके, बट हम यहाँ से कंट्रोल जेड नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे गिट कमांड के थ्रू करते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक है। लेट्स से पहले तो हम देखते हैं गिट स्टेटस, हाँ भाई इसके अंदर मॉडिफाई हो गया, इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो चुका है। अब मान लो गाइस कि मान लो आप सिस्टम ओपन करके चले गए, किसी बच्चे ने कोई छेड़छाड़ कर दी, यहाँ पे कुछ ऐसा कोड कर दिया, कुछ ऐसा हो गया या फिर समथिंग लाइक दैट,
ठीक है, और वो सब कुछ ऐसा चलता चला गया, समथिंग, कुछ भी हो गया, या फिर कोड ऐसा कुछ कर दिया किसी ने, ठीक है, तो क्या होगा, आप जब भी गिट स्टेटस और ये सेव भी हो गया है तो क्या करोगे, गिट स्टेटस करोगे, तो आप देखोगे कि भाई इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गया, तो आप कैसे इसको टैकल करोगे, आप कहोगे सिंपल है यार, मैं इसको हटा दूंगा, मुझे पता है एक ही लाइन ऑफ कोड था और ये सब कुछ मैं हटा दूंगा, ये भी हटा दूंगा। लेकिन इमेजिन करो कि इस फाइल के अंदर भी कुछ हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है समथिंग, या फिर कुछ ऐसा हो गया जो कि आपको लगता है कि काफ़ी मुश्किल हो गया, कई फाइल के अंदर ऐसा हो गया, राइट, और इसको भी किसी ने करके सेव कर दिया। अब गैस यहाँ पे आप आते हो आप आधे घंटे बाद, और फिर आप देखते हो यहाँ पे कि गेट स्टेटस देखते हो, तो आप देखते हो कि ये दोनों फाइल्स चेंज हो चुकी हैं, राइट। तो आप कहोगे यार अब इसको कैसे मैनेज करें, आप एक मैनुअल तरीका, आप कंट्रोल जेड कर रहे हो फिर भी काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे गाइस क्या कर सकते हो कि आप सबसे पहले गिट चेकआउट हाइफन हाइफन जो भी फाइल्स में हुई हैं, लेट्स से कि एक फाइल है तो emp.js, यहाँ पे फाइल का नेम आप लिख दोगे सिंपली, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स के अंदर होगी, आप एक एक फाइल करोगे तो करोगे नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पे डॉट कर सकते हो, डॉट लिखोगे और जहाँ पे भी चेंजेस हुए होंगे सब गायब हो जाएंगे। ये मैंने किया, अनोन एरर दे रहा है, 1 सेकंड, मैंने कुछ गलती की क्या, हाँ इस तरह से करते हैं, नाउ या स्पेस देना होगा, राइट, फाइल का नेम भी रखोगे तो भी स्पेस होना चाहिए हाइफन हाइफन के बाद, ठीक है, डबल हाइफन के बाद स्पेस होना चाहिए, देन उसके बाद फाइल नेम इंडिविजुअल अगर कर रहे हो, अगर ऑल फाइल में कर रहे हो तो डॉट लगाओ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जैसी थी मेरी फाइल वैसे हो गई है, ठीक है, हमारा कोड हमारा अचीव हो गया। अगर मैं वापस से गेट स्टेटस देखता हूँ तो भाई मैं फाइनली बच गया बच्चे की ये मिस्टेक से। अब गाइस ये कमांड एक्चुअली किस जगह पे काम करती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो हमेशा नोट रखिएगा इस यहाँ पे फाइल नेम और या फिर डॉट डॉट कमांड यूज होगी ऑल फाइल की, ये हमेशा तब यूज़ होगी गाइस जब आपके अनकमिटेड चेंजेस होंगे, जो ऐसे चेंज होंगे जो कमिट नहीं होंगे, तो ये तो बच्चे ने छेड़ा था तो उसको कमिट कमांड के बारे में पता ही नहीं होगा, तो कोड कमिट तो कर नहीं सकता, तो उस सिनेरियो में ये वाली कमांड हमारी चलेगी गिट चेकआउट हाइफन हाइफन या फिर डॉट या फिर इंडिविजुअल फाइल नेम, तो ये सिंपली हम अपने प्रीवियस स्टेज पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लो कि आपसे मिस्टेक हुई या फिर किसी डेवलपर से मिस्टेक हो गई है, वो क्या मिस्टेक हो गई है कि लेट से कि कुछ ऐसा उसने कर दिया, ठीक है, और दोनों ही सेव हो गई फाइल, और उसने क्या किया कि अब उसने क्या किया गिट कमांड को यूज़ करते उसने ऐड कर दिया है, क्या किया दोनों ही फाइल को ऐड करके उसके बाद उसने गिट कमिट भी कर दिया है, गिट कमिट करके बंदा भाग गया है। एरर लिख देता हूँ यहाँ पे, एरर और बाय मिस्टेक लिखता हूँ, बाय मिस्टेक मान लो कमिट हो गया है। अब कमिट हो गया है इस सिनेरियो में गाइस क्या होगा, ठीक है, अब इस सिनेरियो में अगर आप लेट्स से कि यहाँ पे अगर मैं गिट चेकआउट करता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा, देख सकते हो गाइस ये वर्क नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, ये अभी भी कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ये वाली कमांड नहीं, क्योंकि ये वाला पीस ऑफ जो चेंजेस है वो कमिट भी हो गया है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग गिट लॉग यूज़ करेंगे और देखेंगे कि भाई साहब क्या हुआ, ये वाली कमांड है और ये हुई है, इसका चेंजेस हुआ है, ठीक है, यहाँ तक तो मैंने किया, मुझे दिख रहा है भाई गिट लॉग में हमारे लोकल वर्जनिंग कंट्रोल में जो स्टोर होते हैं वो दिख रहा है, तो मुझे पता कि लास्ट वाला ये था, तो लास्ट वाला चाहे तो आप आईडी के थ्रू कर दो, चाहे तो डायरेक्टली हेड पास कर दो, ठीक है, यहाँ पे अभी हेड गया उसकी डिटेलिंग में बाद में जाएंगे, ठीक है, या फिर आप आईडी के थ्रू कमिट कर लो, वापस से प्रीवियस अंडू कर लो या फिर हेड कर लो, आपके पास दो ऑप्शन है। तो हमने क्या किया कि भाई हमने किया गेट रिवर्ड, चाहे तो आईडी आप लेंदी वाला कॉपी पेस्ट करते या फिर डायरेक्टली हेड, ठीक है, मैंने बोला था तो मैं हेड करूँगा और हिट करूँगा,
तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों में चेंजेस हुए हैं, वापस हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कॉलन क्यू प्रेस करना होगा एंड देन हिट उससे बाहर आने के लिए, राइट वहाँ से। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो चेंज था, जो टू फाइल्स के चेंज थे वो ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो चुके हैं। अगर गिट लॉग देखेंगे इस बार तो यहाँ पे दिखाएगा भी रिवर्ट कौन सा हुआ, बाय मिस्टेक वाला रिवर्ट हो चुका है। तो इस तरह से ये दूसरी कमांड, आफ्टर कमिट ये कमांड यूज़ करेंगे, विदाउट कमिट ये कमांड यूज़ करेंगे अंडू करने के लिए। नाउ द थर्ड वन गाइस, गेट रिसेट। मतलब ये गाइस एक्चुअली कैसे वर्क करता है इसको मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है, काफ़ी पावरफुल है। और मेक श्योर गाइस कि ये कमांड एक ऐसी कमांड है जिसमें आपको थोड़ा सा केयरफुली, मतलब आपको ध्यान देकर के काम करना होगा, अदरवाइज आप अगर प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको आपका डेटा लॉस हो सकता है, आपका सोर्स कोड लॉस हो सकता है, जो कि रिकवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए गाइस इस कमांड को यूज़ करते हुए मतलब आपको ध्यान रखना है। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ गिट लॉग। गिट लॉग क्या दिखाता है कि लास्ट टाइम पे जितने भी कमिट्स हुए उनको आपको दिखा रहा होता है, राइट। लेट्स से कि बाय मिस्टेक हम प्रीवियस स्टेज पे कहीं पे जितने भी आप ये हिस्ट्री मेंटेन करता है, राइट। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक वायर, लेट्स से मैंने ये पीस ऑफ कोड लिख लिया, लेट्स से इमेजिन जस्ट फॉर अ मिनट, एंड मैंने क्या किया गेट गेट ऐड करूँगा ऑब्वियसली डायरेक्टली, क्योंकि ये चेंजेस है जो कि मुझे यहाँ पे इसके कलर से ही पता चल रहा है। तो मैं गेट स्टेटस अभी आपको नहीं दिखाऊँगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी। तो लेट्स से चेंज इन emp.js समथिंग, और मैंने क्या कर दिया ये एक चेंज किया। फिर मुझे लगा ओके मुझे एल्स पार्ट भी रिक्वायर्ड था, लेट्स से कि चेंजेस करने के बाद अगर मैं अभी लेट्स से कि अभी मैं गेट स्टेटस देखूंगा तो ऑब्वियसली कुछ भी ऐसा है नहीं मेरे पास, ठीक है, क्योंकि कमिट हो चुका है प्रॉपरली। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ नहीं यार, मुझे यहाँ पे एल्स ब्लॉक भी सेक्शन रखना होगा। ये हो गया, ओके नाउ गाइस मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली गेट अगर गेट स्टेटस अगर मैं देखूँगा तो ऑब्वियसली इस बार है जो कि चेंजेस हैं, तो मैं क्या करूँगा गेट ऐड करूँगा फिर से और गेट कमिट करूँगा, और उसके बाद फिर से अभी पुश तो किया नहीं, तो उसका अलग लॉजिक, मैं गेट रिसेट की बात कर रहा हूँ। मान लो आपने 2 या 3 बार आपने चेंजेस कर दिए, उसकी वजह से कहीं पे ऐसी दिक्कत आई कि आपका कोड फट रहा है और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई एक एरर है, तो गाइस आप क्या कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो। रिसेट क्या कि आप प्रीवियस स्टेज पे जा सकते हो, जिस स्टेज पे आप चाहते हो। जैसे होता नहीं हम लोग कॉपी का, जब हम मैनुअल काम करते थे तो हम लोग फोल्डर का बैकअप बनाते चलते थे कि हमारा ये वाला पूरा वर्क कर रहा है तो इसका पहले बैकअप ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे काम करेंगे। तो इसमें अगर कोई कोड फटेगा तो यहाँ पर हमारे पास बैकअप फाइल है, फिर से वहाँ प्रीवियस स्टेज पे आ जाएंगे, राइट। सिमिलरली हमारे पास गिट लॉग में क्या होता है, हमारे जितने भी हिस्ट्री है वो पूरी मेंटेन होती रहती है। तो कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हुआ है, लेट्स से कि हमें लग रहा नहीं यार मुझे प्रीवियस स्टेज पे जाना है जहाँ पे मेरा कोड परफेक्टली चल रहा था, तो वो सिनेरियो लेट्स से हमारा था, लेट्स से चेंज इन emp.js है यहाँ पे सही चल रहा था, लेकिन अगेन किया, लेट्स से थर्ड टाइम मैं कर देता हूँ, लेट्स से एक और मैं करता हूँ, लेट्स से 3 टाइम, थोड़ा ज़्यादा लॉग मेंटेन करूँगा। डन समथिंग, ठीक है, गिट ऐड कहाँ गया भाई, क्या कर रहे हो, गिट ऐड थर्ड टाइम, ओके चेंज थर्ड टाइम। नाउ गाइस अगर मैं अभी गिट लॉग देखूं, अब मेरे को लगा कि नहीं यार मेरा कोड जो है पहले प्रीवियस स्टेज में जो था वहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे इतने सारे चेंजेस करके मैंने जो कमिट किए हैं वहाँ पे मेरा कोड फट रहा है, राइट, तो मुझे रिसेट करना, तो किस स्टेज पे जाना है, यहाँ पे आपको लॉग से आप मेंटेन करके जो हिस्ट्री है दिख रही है इसमें से आप पता कर पाओगे, ठीक है मुझे संडे जैन, ठीक है 9 जैन ये सब चल रहा है,
तो मैंने कहा ऐसा करता हूँ, मुझे मेरा कोर्स चल रहा था परफेक्टली इस समय पे चल रहा था जब यहाँ तक चेंजेस किए थे, लेट्स से चेंज इन ईएमपी जीएस यहाँ तक चल रहा था, या फिर यूँ कह लो कि जो बाय मिस्टेक वाला था यहाँ पे चल रहा था, मुझे रिवर्ट बैक करना सब कुछ, तो इस जगह पे मेरा सब कुछ चल रहा था, जो अभी चेंजेस आ रहे हैं वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस आईडी को कॉपी करूँगा, ठीक है, इसको सबसे पहले कॉपी करूँगा, उसके बाद इससे बाहर आऊँगा मैं, और मैं करूँगा गेट रिसेट हार्ड, और उसके बाद जो भी आईडी है वो मैं पेस्ट करूँगा। मेक श्योर गाइस कि जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो काफ़ी केयरफुली एक दो बार देख लीजिएगा कि एक्चुअली आपको किस स्टेज पे जाना है, ठीक है। तो मुझे इस स्टेज पे जाना, मतलब जो भी चेंजेस हमने अब तक की एम पी डॉट जी एस में 1/3 टाइम तक किए, ये सब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरे कोड में दिक्कत आ गई और कोड फटने लगा है। तो नाउ गाइस अगर मैं इसको वापस से थोड़ा सा मिनिमाइज करके एल करके, और यहाँ पे अगर मैं हिट करता हूँ, तो गाइस देख सकते हो सारे चेंजेस हमारे मतलब प्रीवियस स्टेज पे आ गए। कहाँ पे आ गए, इज नाउ हमारी हेड क्या हो गई, बाय मिस्टेक वहीं पे आ गए। सो गाइस इस तरह से हम लोग रिसेट करके अनडू कर सकते हैं अपने कोड को और प्रीवियस स्टेज पे जा सकते हैं, इसलिए हम गिट लॉग कमांड का यूज़ करते हैं, और इसलिए कमिट जो है पहले लोकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हमारे एक कमिट को स्टोर करते हैं, और फाइनल हमें जब हमें रिमोट सर्वर पे कोड अपना स्टोर करना होता है, मतलब कि यहाँ पर रिपोजिटरी पे अपलोड कर, तब हम गिट पुश कमांड का इसलिए यूज़ करते हैं। तो मैंने अभी एक लाइन ऐड की है और इसको ऐड करके मैंने कमिट किया है, तो मैं आपको गिट लॉग दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखोगे जो लास्ट कमिट होता है उसका कमेंट मैंने दिया था, लास्ट कमिट उससे पहले अपडेट एमपी डॉट जी एस है, ठीक है, था जो कि आपने वीडियो में देखा होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, हेड हमेशा जो लास्ट कमिट को रिफ़र करता है, जो भी आईडी होती है, जो भी लास्ट कमिट आईडी होती है, हेड को आप इस तरह से समझो कि एक रेफरेंस वेरिएबल है, जो लास्ट में कमिट हुआ होगा उस कमिट को हेड होल्ड करता है और रिफ़र करता है। तो जब भी हम अंडू या रिवर्ट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पे हम डायरेक्ट हेड डालते हैं, तो मतलब क्या होता है कि सिर्फ जो रिवर्ट चेंजेस, जो चेंजेस होने वाले हैं, जो रिवर्ट बैक होने वाले कमिट के, वो सिर्फ लास्ट कमिट को ही रिवर्ट बैक करेगा, इस वाले को रिवर्ट बैक नहीं करेगा, उसके जस्ट प्रीवियस वाले को, या फिर उसके जस्ट प्रीवियस के प्रीवियस वाले को नहीं करेगा, हमेशा टॉप मोस्ट लेटेस्ट कमिट को रिवर्ट बैक करता है। किस तरह से एक कमांड है जिसको यूज़ करते हुए, लेट से डिफ टूल कमांड को यूज़ करते हुए आप इन जितने भी कमिट्स हैं इनके बीच के डिफरेंसेस को निकाल सकते हैं। डिफरेंसेस इन द सेंस कि आप ये डिफरेंस निकाल सकते हो कि क्या चेंजेस हुए हैं लास्ट कमिट से लेकर के ओल्डर वाले कमिट, किसी पर्टिकुलर ओल्डर वाले कमिट के बीच के डिफरेंसेस को निकाल सकते हो कि कौन से चेंजेस हुए हैं। लेट से कि मुझे इसके और इसके बीच के कमिट के चेंजेस निकालने, क्योंकि मैंने अभी एक ही लाइन ऐड की है, तो क्या करूँगा मैं ओल्डर आईडी, सबसे पहले ओल्डर कमिट आईडी कोई भी हो सकती है, जैसे ये है, ये है, ये सबसे टॉप लेटेस्ट कमिट आईडी, तो हमेशा ओल्डर आईडी पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके बाद जो लेटेस्ट कमिट आईडी है उसको ऐड करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उसके बाद हिट करेंगे, तो गाइस यहाँ पे यस कर दो, और यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंस दिख रहा है गाइस, जो पहला वाला कोड था प्रीवियस वाला वो इस तरह से था, जो चेंजेस हुए हैं वो पर्टिकुलर ये एक लाइन हुई है चेंज विथ स्पेस, जो कि पूरा यहाँ पे सेलेक्टेड होकर के आ रहा है, राइट। तो दैट इज हाउ यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे गिट डिफ टूल का। अब गाइस यहाँ पे तो इतनी लेंदी आईडी आपको लिखनी पड़ रही है, ठीक है, मान लो इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो ऑब्वियसली क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल है गिट टूल, ऑब्वियसली इस बार क्या करोगे, इस आईडी को कॉपी करोगे और यहाँ से पेस्ट करोगे और ये करोगे तो डिफरेंस निकल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पहले सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड था, सिंपल सा, और कुछ नहीं था, प्लेन था, बाद में मैंने ये बढ़ाया हुआ था कंडीशन, ठीक है, उसके बाद ये आज लाइन मैंने बढ़ाई हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। अब गाइस आप सोच रहे होंगे इतनी लेंदी आईडी हमें बार बार जो है मुझे जब डिफरेंसेस देखने होंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर कमिट को, या फिर हमें रिवर्ट बैक करना होगा, तो हमें बार बार यहाँ पे पहले गिट लॉग करके उसकी आईडी निकालनी होगी, बिना आईडी के कैसे हम लोग कर सकते हैं।
तो वो कैसे कर सकते हैं, लेट्स से प्रीवियस के प्रीवियस वाले को डिफरेंस नहीं, तो वो बेहतर तरीका क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लेटेस्ट कमिट होता है वो हमेशा हेड होल्ड करता है, उसके जो प्रीवियस वाले होते हैं उनकी नंबरिंग कुछ इस तरह से होती है, हेड टिल्ड वन, ये हो जाएगा हेड टिल्ड टू, इसको मानो जीरो, सबसे टॉप वाला जीरो, इसको वन, इसको टू, कहने का मतलब गेट। तो ये भाई नया वाला है जिसको हेड होल्ड करता है, ये पुराना वाला है, तो इसको अगर मेरे को आईडी की जगह पे इसको क्या करेंगे, ये हम जीरो बोलेंगे, इसको वन बोलेंगे, इसको टू बोलेंगे, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे क्या, हेड टिल्ड, टिल्ड सिंबल का यूज़ करना, यहाँ पे टू होगा सॉरी, क्योंकि ये हो गया जीरो, इसको वन बोलेंगे, इसको टू बोलेंगे, ठीक है, और ये टॉप वाले को एज इट इज यहाँ पे हेड लिख देंगे। तो इस तरह से करेंगे तो बिना आईडी के भी आप डिफरेंसेस निकाल पाएंगे, तो दैट इज हाउ हेड। ओके, मान लो सिर्फ आपको दो के बीच का डिफरेंसेस निकालना है, तो इस बार बिना देखे आप निकाल सकते हैं गेट, जस्ट मतलब इस कमिट के टॉप मोस्ट कमिट से जस्ट प्रीवियस वाले के बीच के डिफरेंसेस निकालने हैं, तो बहुत ही सिंपल, आप करेंगे क्या, डिफ टूल, और मुझे पता है टॉप से जस्ट प्रीवियस वाला, तो हेड हेड वन होगा और हेड होगा, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, दैट्स वेरी सिंपल राइट। नाउ गाइस, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि थोड़ा सा बहुत डिटेलिंग में, कि हेड एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है, राइट, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, कि हमेशा मैंने बोला है कि जो हेड होता है वो हमेशा टॉप मोस्ट लेटेस्ट वाले लास्ट कमिट को रिफर करता है, यहाँ पे मैंने लास्ट कमिट कमेंट कर दिया ताकि आपको समझ में आए, तो लास्ट कमिट को रिफर करता है, करेक्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लास्ट ही कमिट को रिफर कर रहा होगा, बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लास्ट वाले कमिट को रिफर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि गैस अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर गेट, यहाँ पे डॉट गेट जो कि हिडन फाइल फोल्डर डायरेक्टरी आपको दिखेगी, इसके अंदर आना नहीं है तो आप व्यू करके उसको हिडन शो कर लेना, तो यहाँ पे देखो हेड नाम की एक फाइल जनरेट होती है, मैं नोट पैड ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो रेफ रेफ्स हेड्स टेव, तो यहाँ पे इस तरह से ये रिफर कर रहा होता है इस तरीके से, लेकिन ये बता रहा है कि हेड मतलब रिफर कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा लास्ट में, अगर आपने कुछ ऐसा चेंज कर दिया, मान लो चेंज क्या किया आपने, चेकआउट क्या कर लिया, पर्टिकुलर इसको चेकआउट, इस आईडी को अगर चेकआउट कर लिया, ठीक है, या फिर आईडी के बजाय आपने इस तरह से कर दिया, इस तरह से जाओ, मैंने दोनों तरीके आपको बताए, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो तो कमेंट में आ गया, यू आर इन डिटैच्ड हेड, मतलब आप डिटैच मोड में चले जाओगे, तब आपका टॉप मोस्ट कमिट हमेशा हेड रिफर नहीं करता है उस सिनेरियो में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप, मैं फाइल के अंदर आता हूँ गाइस, तो अभी देखो यहाँ पे तो यही है, अगर मैं इसको फिर से री ओपन करता हूँ, तो डिटैच मोड से वापस आने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो ब्रांच देख लो कौन सी है, लेट से डेव है, इससे मैं देखो डिटैच मोड में हूँ, तो हम क्या करेंगे गेट, जैसे करेंगे तो वापस से हम प्रीवियस हेड पोजीशन वॉज वहीं पे आ गए, ठीक है। कि देख सकते हो जो हमारे पास यहाँ पे हमारे लोकल मशीन पे सिमिलर, वो यहाँ पे गिटहब रिपॉजिटरी पे भी सेम पीस ऑफ कोड अवेलेबल है, राइट, और इसमें जो डिफॉल्ट ब्रांच है वो अभी मेन ब्रांच है यहाँ पे, ठीक है, तो जो कि मैं, अगर लिस्ट ऑफ ब्रांच आपको देखना है तो उसके लिए कौन सी कमांड आप देखोगे यहाँ पे, तो सिंपली आपको क्या है, यहाँ पे गिट ब्रांच आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि कितनी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, अभी तो सिंगल ब्रांच है, ठीक है, अब एक नई ब्रांच क्रिएट करने वाला हूँ, लेट्स से ब्रांच, और उस ब्रांच का नेम रखूँगा डेव, ठीक है, तो ब्रांच क्रिएट करने के लिए ये बेसिक से कमांड यूज़ करनी होती है, गेट ब्रांच एंड ब्रांच नेम, जो भी न्यू ब्रांच आप क्रिएट करना चाहते हो, लेट्स से मैंने DEV मतलब डेवलपमेंट ब्रांच में क्रिएट कर रहा हूँ, तो जैसे क्रिएट करता हूँ ये क्रिएट हो चुकी है, अगर फिर से मैं ऊपर वाली कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ गेट ब्रांच, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो ब्रांच हैं, एक तो डेव हो गई, एक मैंने, और पहले क्या था गाइस, यहाँ पे अगर देखोगे प्रॉपर तो पहले, बल्कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल ब्रांच थी, अभी दो ब्रांच है, अभी गाइस
यहाँ पे स्टार लगा, एक ग्रीन है और एक यू नो हाइलाइटेड नहीं है ग्रीन से, उसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि अभी हम करेंटली मेन ब्रांच के अंदर हैं, उसके अंदर कोड कर रहे हैं, राइट? तो हमें एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्विच करना है, तो लेट से हमें उसके लिए क्या करना है, गेट, हमें डेव ब्रांच में जाना है, ठीक है? और नाउ गाइस अभी स्विच टू ब्रांच डेव, मतलब हम मेन से डेव ब्रांच के अंदर आ गए, यूज करूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो अभी डेव ग्रीन कलर से हाईलाइटेड हो गया, मतलब अभी जो भी काम हम करने वाले वो डेव ब्रांच के अंदर करेंगे और जो भी चेंजेस करेंगे इसी के अंदर अप्लाई होगा। अभी गाइस ये बात आपको समझ में नहीं आएगी कि एक्चुअली ब्रांच हम क्रिएट ही क्यों करते हैं, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यार, ब्रांच इसलिए क्रिएट की जाती है, आप ये समझो कि एक ही प्रोजेक्ट के मल्टीपल कॉपीज बनाना, जैसे कि हम लोग मैनुअल करते हैं, एक लेट से कि हमारे पास टेम्प ऐप है, राइट? तो टेम्प ऐप को अगर मैं दिस वन, ठीक है, तो टेम्प ऐप में हम कोई काम करते हैं, तो क्या है, लेट से कि मैं कल की डेट में कुछ काम कर रहा था और आज की डेट में कुछ काम करने वाला हूँ, तो काम करने से पहले कोई कोड के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपी करके हम क्या करते हैं, एक बैकअप बना लेते हैं, राइट? फिर उसके अंदर हम लोग चेंजेस करते हैं, राइट? सिमिलरली हर डेट वाइज हम लोग बैकअप लेते रहते हैं, तो कुछ वैसा ही ब्रांच का खेल है, ठीक है? एक ब्रांच बनाते हैं और दो ब्रांच बनाते हैं, तीन ब्रांच बनाते हैं, ब्रांच का मतलब यही हो गया कि हम एक ब्रांच के अंदर काम करते हैं और वो ब्रांच के अंदर काम करने का मीनिंग यही है कि हम उसी के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, एक्चुअल फाइल के अंदर चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जो मेन प्रोडक्शन वाली फाइल है, आई मीन प्रोडक्शन वाला कोड है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, ठीक है? तो लेट से कि अब हम डेवलपमेंट ब्रांच को यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे अभी सिर्फ डेवलपमेंट वाले काम कर रहे हैं, एक्चुअल जो प्रोडक्शन में डिप्लॉय की जाएगी वो मेन ब्रांच के अंदर का कोड होगा। तो नाउ लेट से कि मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, लेट से फिर से समथिंग, यस कुछ भी कर दिया, राइट? तो मैं तब ये काम कराऊंगा, राइट? अब गाइस अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अगर मैं यहाँ से अभी स्विच करता हूँ, लेट से मैं ब्रांच स्विच करता हूँ, क्या करता हूँ, मैंने इसके अंदर चेंजेस कर दिए, अब मैं फिर से मेन के अंदर आता हूँ, स्विच टू मेन ब्रांच, मेन ब्रांच के अंदर आ गया हूँ, बाई टू कमिट्स स्विच टू ब्रांच, योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन बाई टू कमिट्स, वन सेकेंड, गेट स्टेटस देखते हैं गाइस, तो ये बता रहा है EMPJS, तो जबकि ये चेंजेस इसके अंदर हमने नहीं किए, हमने किया था किस ब्रांच के अंदर, ऑब्वियसली गेट, अच्छा अभी यहाँ पे कर रहे हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि हम अभी डेव के अंदर काम कर रहे हैं, हम सिर्फ ब्रांच को इसीलिए चेकआउट करते हैं। लेट्स से मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको कि हम ये डेव पे हैं, ठीक है, अभी स्विच है, ठीक है, अगर मैं इसको कमिट कर देता हूँ, गेट ऐड लेट से, ठीक है, और गेट कमिट हाइफन एम अपडेट emp.js समथिंग, नाउ लेट से अब पहले ब्रांच देखें कौन सी है, डेव ब्रांच है ऑब्वियसली, मेन ब्रांच में आते हैं, तो अब ब्रांच नेम्ड मेन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, मतलब ये क्रिएट करने के लिए हो जाता है, स्विच करना है, चेकआउट करना है, सॉरी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, चेकआउट किया तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला कोड अवेलेबल है, और अगर मैं चेकआउट करूँ डेव में तो हमें दूसरा कोड दिखेगा, अगर मैं करूँ मेन में तो हमें दूसरा कोड दिखेगा। तो कहने का मतलब समझ रहे हो गाइस, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में काम करने का बेनिफिट ये है कि हम एक्चुअल लेट्स से कि एक्चुअल जो प्रोडक्शन वाली ब्रांच है उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, अभी डेव में कर रहे हैं, जब यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे तब इस कोड को हम मेन वाली ब्रांच के अंदर मर्ज करेंगे अपना कोड। लेकिन अगर यहाँ पे रिपोजिटरी में आएंगे गाइस, तो अभी तो यहाँ पे मेन ब्रांच ही है, यहाँ पे एक्चुअल नहीं आई है वो ब्रांच, राइट? यहाँ पे अगर अब मैं गिट लॉग दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस ब्रांच के अंदर लास्ट वाला जो कमिट था बाय मिस्टेक, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे डेव ब्रांच में आ जाता हूँ
और फिर से यहाँ पे अगर गिट लॉग देखता हूँ तो गाइस यहाँ पे दूसरे यू नो अपडेट ईएमपी, यहाँ पे ये लॉग, मतलब इस ब्रांच की हिस्ट्री अलग तरीके से मेंटेन होगी और यहाँ पे आपको दिखेगा भी कि ये प्रीवियस वाले भी इसमें थे, यहाँ तक था, तो ये वाला जो नया कमिट है वो सिर्फ इसी ब्रांच के अंदर दिखेगा, डेव ब्रांच के अंदर, उसके अंदर नहीं दिखेगा, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो भी यहाँ पे दिख रहा है वो इसी के अंदर दिखेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब मान लो कि ये पर्टिकुलर कोड जो है मैं चाहता हूँ कि मर्ज हो जाए मेन ब्रांच के अंदर, क्योंकि मेन ब्रांच के अंदर तो ये है ही नहीं, राइट, ये वाला कोड है नहीं, मैं चाहता हूँ ये फाइनली हो गया है। तो अभी तो डेव के अंदर हम देख रहे हैं ये मैंने चेंजेस किए, तो मुझे लगा कि नहीं परफेक्टली है, अब ये मेन ब्रांच में मैं ऐड कर दूँ। मैंने टेस्टिंग कर ली है, डेव के अंदर प्रॉपर चल रहा है, अब इसे हम मेन ब्रांच में मर्ज करना चाहते हैं। मर्ज, ओके, तो मर्ज करने से पहले गाइस सबसे पहले देखो कि किस ब्रांच में हम हैं। हम डेव में हैं ऑब्वियसली, तो गेट चेकआउट, पहले तो उस ब्रांच के अंदर आएंगे जिसमें हमें मर्ज करना, हम मेन ब्रांच में आ गए। अब गेट, हम मेन ब्रांच में हैं, अभी मैं दिखा देता हूँ गेट, तो गेट ब्रांच आई मीन मर्ज, इस मेन ब्रांच में हूँ और अब मैं चाहता हूँ इस मेन ब्रांच में डेव ब्रांच को मर्ज कर दिया जाए, तो दैट इज़ हाउ वी आर मर्जिंग। तो पहले तो आपको उस ब्रांच के अंदर जाना होगा जिस ब्रांच में आप ऐड करना चाहते हो, तो पहले मैंने स्विच किया, ठीक है, मैं आ गया था मेन ब्रांच के अंदर जो कि हाईलाइटेड है ग्रीन से, उसके बाद मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट की गिट मर्ज डेव ब्रांच इनटू मेन ब्रांच, राइट। यहाँ पे दिखाता हूँ ब्रांचेस, ब्रांच तो अभी भी मेन में हूँ और इसमें देख सकते हो गाइस कि डेव में भी वही कोड है, गिट मर्ज, ओके ऑलरेडी मैंने मर्ज कर दिया, ये कौन सा कमांड चला रहा, गिट चेकआउट, मेन के अंदर भी सेम कोड पड़ा हुआ है और डेव के अंदर भी सेम कोड हो गया, सेम पीस ऑफ कोड, कि इन दोनों को मैंने पुश नहीं किया। तो पहले तो मैं अभी स्विच मेन में आ जाता हूँ, मेन वाला कोड मैं क्या करता हूँ, पहले तो गिट पुश कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि गिट लॉग देखोगे तो अभी यहाँ पे ये अपडेट वाला भी लॉग आ चुका है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल कोड यहाँ पे नहीं हुआ, अभी तो हम सब कुछ लोकली कर रहे हैं। अगर गाइस ईएमपी इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे अभी नहीं कोड आया है, ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि पहले तो मेन ब्रांच वाला जो कोड है मैं उसको पुश कर दूँ, क्योंकि कमिट तो है ही, ये मैंने पुश कर दिया। तो फाइनली अगर गाइस हम यहाँ पे आते हैं और इसको अगेन रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ये चेंजेस आ गए मेन ब्रांच के अंदर, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे नहीं दिखा रहा हमारी वाली नई ब्रांच जो कि डेव ब्रांच है, इसको यहाँ पे कैसे लाएंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको करना है क्या, स्विच करना है ब्रांच को, मेन से डेव में आइए और डेव में आने के बाद आप क्या करिए, गेट पुश कर दीजिए सिंपली, ओके, क्या बोल रहे हो आप, स्ट्रीम द करेंट ब्रांच देव हैज़ बीन अपस्ट्रीम ब्रांच टू पुश करेंट ब्रांच एंड सेट टू रिमोट अपस्ट्रीम, तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, और या तो आप क्या करें पहले गिट पुल कमांड यूज़ कर लें उसके बाद से, मैं पहले ये करके देखता हूँ। नाउ गाइस देखते हैं नई ब्रांच को, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा अगेन, ओके, सो नाउ गाइस यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख सकते हो डेव ब्रांच आ गई है। और हाँ, मर्ज करने का भी मैंने बता दिया है ब्रांच के बारे में, हाँ डिलीट करने के लिए गाइस एक कमांड बड़ी सिंपल, तो वो भी समझ लो, लेट्स से कि मैं एक नई ब्रांच और क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ब्रांच नेम लेट्स से डेमो, ये मैंने क्रिएट किया, अभी मैं यहाँ पे गिट ब्रांच दिखाऊँ कितनी सारी हैं, ठीक है, डेमो डेव मेन, ये तीन ब्रांच है, लेट्स से कि मुझे कोई ब्रांच डिलीट करनी है, ठीक है, डेमो डिलीट करनी है लेट्स से, तो आपको गिट ब्रांच और उस ब्रांच यहाँ पे हाइफन डी मतलब डिलीट और उसके बाद ब्रांच का नेम लेट्स से डेमो, तो यहाँ पे देख सकते हो लिख के आ गया डिलीटेड ब्रांच डेमो, तो कितनी ब्रांच है, तो नाउ वी हैव ओनली टू ब्रांच। डॉट गिट इग्नोर फाइल के बारे में, एक्चुअली इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, वही बात करने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे मैंने गिट स्टेटस कमांड को यूज़ किया, तो क्या होता है ये हमें बताता है कि किसी तरह की फाइल्स में आपने कोई चेंजेस किए हैं क्या, किसी कोड को आपने चेंज किया है, अगर किया तो यहाँ पे दिखा देगा, और अगर चेंज करने के बाद उसको आपने ऐड किया होगा तो उसको स्टेजिंग एरिया में दिखाएगा ऑब्वियसली, तो ये काफ़ी सिंपल है, राइट, लेकिन
इमेजिन करो कि मान लो मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ, एक छोटा सा चेंज करता हूँ और कंट्रोल एस कर दिए और आपने कुछ कोड में चेंज कर दिया, सेव कर दिया भाई अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आपने चेंजेस मार दिए। गुड नाउ अब गाइस क्या होता है, अब गिट स्टेटस करोगे तो ऑब्वियसली दो फाइल्स आपको शो करेगा, मॉडिफाइड टू फाइल्स जो कि emp.js एंड org.js। गुड लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो चेंजेस हम करते हैं ऑब्वियसली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं, बट कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं चल पाती तो हम क्या करते हैं, कुछ टेस्टिंग फाइल्स क्रिएट करते हैं, मतलब उसी प्रोजेक्ट के अंदर बस चेक करने के लिए, डिबग एक तरह से डिबगिंग करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए कि वो कोड सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है उसका आउटपुट सही से जनरेट होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, एक सेपरेट यू नो टेस्ट डॉट जे एस फाइल क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर ही क्रिएट करते हैं, ऐसा होता है ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं, ये मैंने अपने लिए क्रिएट किया है ताकि हम चेक कर पाएँ कोड सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा लेट्स से कोड कर दिया, कॉपी करके यहाँ से पेस्ट ही कर देता हूँ। ओके सेव कर दिया, ठीक है यहाँ पे मैंने कर लिया। लेकिन अब क्या होगा गाइस, ऑब्वियसली अब एक गिट स्टेटस करेंगे क्या होगा, यहाँ पे तीन फाइल्स दिखा रहा है चेंज हुए हैं जिसके अंदर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है गाइस, प्रॉब्लम ये है कि मुझे कमिट करना है, तो आप कमिट करने के लिए मतलब इन फाइल्स को आप एक्चुअली पुश करना चाहते हो ठीक है, तो कमिट करने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गिट ऐड करना पड़ेगा, गिट ऐड। बट अगर गलती से गिट ऐड डॉट कर दिया तो क्या होगा, आपकी टेस्ट डॉट जे एस भी स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि मुझे जो कमिट करना है सिर्फ इन दो फाइल्स को करना है, तो इन दो फाइल्स को पहले स्टेजिंग एरिया में ले जाएंगे फिर इनको कमिट करेंगे देन पुश करेंगे, बट ये तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं, ये तो मैंने अपने लिए क्रिएट किया था राइट। तो इसको इग्नोर करना है मुझे राइट। आप कहोगे अरे यार तो इसको बड़ा ही सिंपल है ना, हम इस तरह से कर लेंगे ना, गेट ऐड और इंडिविजुअल फाइल का नेम यहाँ पे रख करके यू नो कॉपी पेस्ट करके एक एक करके कर लेंगे। लेकिन इमेजिन करो अभी तो दो ही हैं, बट अगर मान लो यहाँ पे 100 फाइल्स में आपने चेंजेस किए होते तो क्या एक एक करते आप, ऑब्वियसली नॉट। तो इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे कि इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सक्लूड कर दें और बाकी को कमिट कर दें, क्योंकि सबसे ईजी तरीका जो होता है डॉट करके सारी कमिट कर दो, तो इसलिए हम गिट इग्नोर फाइल का यूज़ करते हैं। तो क्या करना है गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करके आप गिट इग्नोर फाइल क्रिएट कर लीजिए। ओके ये हमारी टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी, तो इसके लिए आप गिट बैश हियर करिए, जहाँ भी आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पे गिट बैश हियर यू नो विंडो को ओपन करिए और यहाँ पे कमांड चलाइए टच, यहाँ पे फाइल एक्चुअली क्रिएट करिए, वो फाइल होगी गिट इग्नोर, अभी देखिए आपके सामने क्रिएट होगी गिट इग्नोर, यू कैन सी हियर यहाँ पे क्रिएट होगी। अभी इसको क्लोज कर देते हैं और इसको ओपन करते हैं और जो भी फाइल हमें इग्नोर करनी है टेस्ट डॉट जे एस लेट से इसको सेव कर दो, इसके अंदर लिख करके बस क्लोज कर दो। नाउ वापस वी एस कोड के अंदर आओ एंड नाउ गाइस आप स्टेटस देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट डॉट जे एस नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी गिट डॉट इग्नोर दिख रहा है, तो इसको हम कमिट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसको प्रोजेक्ट के अंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि बाद में कभी हमें फिर से ज़रूरत हुई तो गिट इग्नोर वहाँ पे पड़ी रहेगी और इसको हम अपने प्रोजेक्ट में कमिट कर लेंगे राइट। लेकिन अब अगर मैं कमिट करता हूँ लेट्स से ठीक है, गिट ऐड, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि अभी क्या है कि ऑब्वियसली गिट स्टेटस में अब कुछ नहीं है सिंपल। तो अब हमें टेस्ट डॉट जे एस में मैं काम कर सकता हूँ और ये कभी भी कमिट नहीं होगी, इसको मैंने इग्नोर फाइल के अंदर रख दिया गिट इग्नोर फाइल। इसी तरह से गाइस आप किसी डायरेक्टरी को इग्नोर कर सकते हैं, लेट्स से कोई फोल्डर है लेट्स से क्रिएट कर दिया, या फिर लेट्स से कोई और फाइल्स आपने क्रिएट की हैं लेट्स से T1 T2 लेट्स से समथिंग T2, तो अपने कन्वीनियंट के लिए आपने कुछ फाइल्स क्रिएट की हैं ठीक है। वी एस कोड के अंदर आओगे और गिट स्टेटस देखोगे तो ये क्या दिखाएगा, T1 T2 यहाँ पे फिर से दिखा रहा है। तो इनको इग्नोर करने के लिए सबसे बढ़िया क्या तरीका है गाइस, आप वापस आइए और इसके अंदर एंड T2.txt इसको सेव करिए, क्लोज करिए एंड अगेन वापस से आइए एंड वी एस कोड के अंदर स्टेटस चेक करिए, इस बार फिर से नहीं ये मॉडिफाइड हो गई है ऑब्वियसली, फिर से इसको कमिट कर लेना है
ठीक है, इसको कमिट कर लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी इसी की वजह से तो हम इग्नोर कर पाएंगे, राइट। एक चीज़ और कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे मान लो मल्टीपल TXT फाइल है और किसी को उसकी उस फाइल के एक्सटेंशन के साथ आप उसको इग्नोर करना चाहते हो, तो बड़ा ही सिंपल है, आप एक ही फाइल रखिए और उसको क्या करिए, वाइल्ड कार्ड का यूज़ करते हुए TXT कर दे, तो जितनी भी TXT फाइल होंगी उनको इग्नोर कर देगा हमारी ये गिट इग्नोर फाइल, कंट्रोल एस करिए और सिमिलर पीस ऑफ कोड यहाँ पे रन हो रहा होगा। नाउ यू कैन सी सिर्फ गिट इग्नोर को आपको कमिट करना है। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ गिट इग्नोर फाइल। यू लाइक इट, देन गिव अस थम्स अप। बाय।